आज हम सीखेंगे गाड़ी का विभाजन, ट्रेन डिवाइडिंग, जीआर 6.09। आज की क्लास के मुख्य हेतु हैं गाड़ी का विभाजन किन परिस्थितियों में किया जाता है। ऐसे समय चालक तथा गार्ड के कर्तव्य व दिए जाने वाले प्राधिकार पत्र, और अंत में हम देखेंगे बचे हुए लोड को लाने हेतु स्टेशन मास्टर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। सबसे पहले हम देखेंगे गाड़ी का विभाजन जीआर 6.09। जब दुर्घटना या अन्य किसी कारणवश ब्लॉक सेक्शन में इंजन पूरा लोड खींच पाने में असमर्थ हो और गाड़ी रुक जाए, तब अकेला इंजन या आंशिक लोड के साथ अगले स्टेशन तक जा सकता है, जिसे गाड़ी का विभाजन माना जाता है। आइए अब हम देखते हैं गाड़ी का विभाजन किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। ये है लोको पायलट मुनीर खान और इनके साथ में हैं गार्ड साहब श्री धीरज कुमार। ये इगतपुरी से अहमदनगर बीसीएन लेकर निकले हैं। जैसे ही गाड़ी घोटी पाल्डी सेक्शन में आई, चालक मुनीर खान ने पाया कि इंजन पूरा लोड आगे खींच पाने में असमर्थ है और गाड़ी रुक गई है, तो उन्होंने तुरंत गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए चार छोटी सीटी बजाई। गार्ड श्री धीरज कुमार ने जैसे ही चार छोटी सीटी सुनी, समझ गए कि उन्हें गाड़ी का बचाव करना है। जीआर 6.03 के अनुसार बचाव करने हेतु उन्होंने कदम उठाए। अब हम देखेंगे गाड़ी विभाजन करने पर चालक तथा गार्ड के कर्तव्य व दिए जाने वाले प्राधिकार पत्र। बचाव करने के पश्चात धीरज कुमार ने तुरंत चालक मुनीर खान के साथ परामर्श किया कि इंजन अकेला या आंशिक लोड के साथ अगले स्टेशन तक जा सकता है या नहीं। यदि इंजन आंशिक लोड के साथ जा सकता है, तो धीरज कुमार जी गाड़ी को दो भागों में बांटने से पहले बचे हुए लोड के कम से कम 50% वाहनों या 10 वाहनों, जो भी अधिक हो, के हाथ ब्रेक कसने के लिए कदम उठाएं और साथ में ब्रेक यान के हैंड ब्रेक भी लगाएं। इसके बाद धीरज कुमार जी ने अगले भाग को अगले स्टेशन तक ले जाने के लिए चालक को T609 प्राधिकार पत्र दिया।